आज पाकिस्तान की बरसाती हुकूमत में है तो हुकूमत में नहीं आई, ये बात सुल्तानिया के हुकूमत में आई है और हुकूमत कौन सी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है। आज जब 19 साल के बाद एमएससी अवार्ड अपने पाया जमीन पर पहुंचते हैं और उनसे दस्तखत हो गए हैं, इतना देख सकती है उस मौके हम की उस मौके हम की शासन को और उसके अरब को राष्ट्रीय जिसमें बेला उठाया है निशान की तस्वीर का जो मर गया है उस गलत चुनाव के साथ जो मुल्क के फेडरेशन के और इस मुल्क की अवसर को कमजोर करने के लिए अपने हाथ फहरा रहा था। जनाब साहब अपने पोलिटिकल से याद रखें, आज जो पाकिस्तान की पार्टी का झंडा फेडरेशन का झंडा चारों सूबों की जंजीर का झंडा लेके चल रहा है वो आपका मेरा कायद भाई आत्मनिर्भर जारी वो कृष्ण वक्त से हमको निकाल रहा है। जब वो टैंक की बात करता है, जब वो बीच की बात करता है, जब वो बाहर में कोर चलाता था और लड़ाएंगे शादा तो ये बात करते थे ये बाहर बहुत जाते हैं, जब वो अंदर रहते थे तो कहते हैं अंदर बहुत रहते हैं। मैं समझती हूँ इन लोगों को सरकारी बोलिया से बाहर आना है क्योंकि गांधी की भूख को सुनता था क्या है मुसलमान के नदी भुट्टो शहीद साहबा क्या थी, वो छात्र नहीं थी, वो एक तहरीर थी, वो एक मिशन थी और वो कानून थी जिसने मौत को मौत के घाट उतार दिया और आने वाले तमाम हफ्तों के लिए जिंदा हो गई। मेरे दुश्मनों को खबर करो, मेरे दुश्मनों को खबर करो, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर जुलम का झंडा है, मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मां की हाथे जिंदा हूँ, मेरे खून का पूरा कम देगा तो बच्चा बच्चा मेरे माँ मैं बाकी हूँ, मैं बाकी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुलम करो। और वो किस चीज से बाकी थी, वो उन्हीं ख्यालात से बाकी थी जो मुल्क की खेती को रोकते थे, वो इन्हीं हाथों से बाकी थी जो मुल्क को बर्बाद करने को आते थे। आज अल्लाह के हुक्म से पार्लियामेंट स्ट्रांग है, आज युवाओं सबकी राय के मुताबिक डिसीजन पास होते हैं, आज जो बॉर्डर पर ऑपरेशन हो रहा है वो पार्लियामेंट की मर्जी से हो रहा है और इस्लाम के पढ़ने वालों को जो अपनी जान दे रहे हैं इस मुल्क की बना के लिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गो, पाकिस्तान का सारा जिंदगी में 30 साल गुजारा अमृत के सारे लिए, या अमृत के कार्य बादल हमारी धरती को रोकते थे, वो तो महादेवी फोटो शहीद साहबा का विजन था कि मेरा मुल्क भी उन तरक्की यात्रा मुल्कों की मांग में हो और उनका विजन था कि मेरी माएं ठहरे देखना ये बच्चे ही पहले ही स्कूलों में पड़े। आपने देखा कि मोहम्मद शरीफ ने अपनी खातिन को एम्पावरमेंट करने के लिए खातिन यही थे, खातिन को तमाम नाराज की यूनिवर्सिटी बनाई, बैंक बनाए और आज आपके भाई आपके गाय जनाब आजम अली बताई साहब ने बेनती इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्य किया। मेरी देखो आप गवाह है, आप यहाँ बैठी है और आप गवाह है बात की के
गली है, ये एक छोटी सी गाड़ी है जो आपके घर को चलाएगी। मेरी बहनों को ये बड़ी आदमी थी कि जिनके पास कोर्ट है या कोई भी उसके रुकावट आ गई है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो उनके आज हो रहा है उसमें जो पासपोर्ट का विशेष है उससे हमने बात की है और उन्होंने ये बात कहा कि हम इसको देखेंगे और इस पासपोर्ट की जो शीट है इसको निकालने की कोशिश करेंगे। यही कहना हो मेरे भाइयों, आज यहाँ खड़े हुए हम अब कहते हैं कि भोट माते शक्ति चाहता का कार जो आपको मिला और भोट माते भूतो चाहता की ऐसा देखें कि वो अब भी बालों को भी मिला, वो उनके घर में भी गई और उनके घरों को भी उन्होंने इंपावर किया। मेरे भाइयों को आज वक्त है, मैं जानती हूँ बहुत से बताए हैं, मैं जानती हूँ मेरे भाइयों को बहनों को नौकरियाँ चाहिए, हाँ ये नौकरियाँ पैदा की जाएगी अगर मेरे भाई चाहे राष्ट्रीय कहा था जो बिल है पाकिस्तान के लिए उसको पूरा होने दिया गया और हम उनकी बहने उनके भाई के काम की बना और ये मेरी बहने उनके साथ खड़े हुए हैं ताकि उनका वो विषय और उनका वो विजन पूरा हो। मेरे भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ा खानदान है और इस खानदान में आ जाने वाला उस खानदान का हिस्सा होता है और वो फिर कभी उसके बराबर नहीं करता अगर वो अपनी हो है। मैं फोटो शहीद साहबा के बाद में गोपाल करवाता फोटो साहब के बाद में गोपाल करवाता जिन्होंने राजा मंदिर स्थापित किया उस गोपाल के वादे को आगे नहीं चलेंगे। ये गोपाल ये ऐसे गोपाल नसल दर नसल होगा, हमें दो वक्त की याद है तो हमें मनुष्य दिखाई गई, हमें पंच दिखाए गए और हमें कहा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी कौन करनी चाहे, तो आपकी ये बहन गवाह है साथ मान के नीचे लोगों के बारे के पास गई कि ये कितने भी बातें हो रही है। मेरे वाले साहब ने कहा आप खुद फैसला करें कि किस चीज में आपके पास ज्यादा लोगों को रहना है, क्या किसी में आपके पास ज्यादा लोगों को रहना है या आपके जमीन में, तो जो फैसला आपके अंदर ज्यादा है वो करें और मेरे जमीन का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ऐसे बाबा मेरी मेरे पास शहीद मेरी महिलाओं का वो बाबा था जो मैंने आपसे किया मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों वो अपनी तनजीब को इंपॉर्टेंस देते थे अहमियत देते थे। आप कैसे आप जो बैठे हुए हैं आप कैसे आप ताकत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और लीडर की आप है ऊपर बैठे हुए लोग लीडर वो हुआ करते हैं लीडर वो हुआ करते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर होते हैं।